अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे इज़ आवर 12th लेक्चर एंड दिस लेक्चर इज़ आल्सो इन कंटिन्यूएशन विद पॉजिटिव इमोशंस। जो हमने लास्ट क्लास में पॉजिटिव इमोशंस को जो डिस्कस किया था, ये उसी की कंटिन्यूएशन में अब हमने बारबरा फ्रेडरिकसन की जो थ्योरी है उसको इन डेप्थ एनालिसिस करना है, उस थ्योरी का कि व्हाट हर थ्योरी इज़ ऑल अबाउट, व्हाट हर थ्योरी इज़ टेलिंग अबाउट पॉजिटिव इमोशंस, व्हाट न्यू एस्पेक्ट्स शी हैज़ डिस्कवर्ड इन हर थ्योरी, why she felt the need of putting forward a theory, a proper systematic scientific theory on positive emotions. This is all that we are going to discuss today in today's lecture. All right, let's get started formally from the first. So this is our first slide, importance to survival, right? Pehle to sabse pehle uska ye jo claim tha positive emotions ka, humne last उसमें भी पढ़ा है लेक्चर में भी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्वाइवल है। इफ़ पॉजिटिव इमोशंस आर इररेलेवेंट टू सर्वाइवल, व्हाट गुड आर दे। देयर इज़ दिस क्वेश्चन अबाउट जिसके बारे में लोगों ने पूछा, और फ्रेडरिकसन की थ्योरी इस क्वेश्चन को एड्रेस करती है द वे। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ कि वो कहना चाहते हैं कि अगर पॉजिटिव इमोशंस इररेलेवेंट टू सर्वाइवल हैं तो फिर उनका और पर्पज़ क्या है। अगर आप ये कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस का कोई ख़ास लिंक सर्वाइवल से नहीं है, ज़िंदगी से कोई लिंक उसका नहीं है, जैसा हमने पहले भी कहा कि सर्वाइवल नॉट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। अब ये इस चीज़ का जवाब देंगे, फ्रेडरिकसन की थ्योरी जो है इस चीज़ को एड्रेस करती है, एंड हाउ ये हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिकसन्स थ्योरी, पॉजिटिव इमोशंस एक्सपैंड कॉग्निशन एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज। वो कहती है कि पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो इसलिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपके थॉट प्रोसेस को और आपके बिहेवियरल टेंडेंसीज होती हैं उसके उसको एक्सपैंड करता है, उस पूरे प्रोसेस को एक्सपैंड करता है, उस पूरे हराइजन को एक्सपैंड करता है। शी आर्ग्यूज दैट पॉजिटिव इमोशंस इंक्रीज द नंबर ऑफ पोटेंशियल बिहेवियरल ऑप्शंस। वो कहती है जो पोटेंशियल बिहेवियर आप शो कर सकते हैं इन योर लाइफ, उनके जो चांसेस हैं, उनका जो लाइकलीहुड है, उसको इंक्रीज करता है बेसिकली पॉजिटिव। ऑलराइट, अब हम चलते हैं कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ थ्योरी के ऊपर कि ब्रॉड एंड बिल्ड थ्योरी क्या है। अब अगर आप इसको ब्लॉक्स में ब्रेक डाउन करके देखें, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी, ब्रॉडन का मतलब होता है वसी, बड़ा करना, एक्सपेंशन, और बिल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो बिल्डअप करना, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को और ज़्यादा रेगुलेट करना, ये बिल्ड है, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द वर्ड ब्रॉडन एंड बिल्ड। और अब यही चीज़, यही वर्ड इसने ये कॉन्सेप्ट इसने यूज़ किए इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन पॉजिटिव इमोशंस। ऑल राइट, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी डिस्क्राइब्स the form and function of a subset of emotions, subset of positive emotions including joy, interest, contentment and love. वो कहती है कि ब्रॉडनबिल्ड की जो थेरी, ये जो थेरी है वो डिस्क्राइब करती है कि जो फॉर्म ऑफ फंक्शन है ऑफ अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, वो बेसिकली जो जॉय, इंटरेस्ट, कंटेंटमेंट, लव है, ये एक स्मॉल सेट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस है, ठीक है। अ की प्रोपोजिशन इज दैट दीज पॉजिटिव इमोशंस ब्रॉडन एन इंडिविजुअल्स मोमेंटरी थॉट एक्शन रेपिटायर, ठीक है। Key proposition is that these positive emotions broaden an individual's momentary thought action repertoire. वो कहते हैं कि जो आपका मूवमेंट का उस वक्त के जो थॉट्स और उससे रिलेटेड जो एक्शन होते हैं, ये उसको ब्रॉडन करता है पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है। आपके उस मूवमेंट के, उस इवेंट के, उस सिचुएशन के जो थॉट्स उससे रिलेटेड जो एक्शन, वट एवर द सिचुएशन इट इज़, वट एवर द मोमेंट इट इज़, उससे रिलेटेड जो थॉट और जो एक्शन है उसको बेसिकली ब्रॉडन करता है पॉजिटिव इमोशन। ये इसकी थ्योरी का की कंपोनेंट था। इसकी पूरी थ्योरी इन तीन लाइनों के ऊपर बेस कर रही थी। तीन लाइन्स मतलब इन तीन पूरे इस जो तीन लाइनों में जो कॉन्सेप्ट बताया है इसके ऊपर हर होल सिस्टम ऑफ थ्योरी इज एक्चुअली उसकी फाउंडेशन है। फॉर इंस्टेंस, जैसे वो कहती है कि जॉय स्पार्क्स द अर्ज टू प्ले, इंटरेस्ट स्पार्क्स द अर्ज टू एक्सप्लोर, कंटेंटमेंट स्पार्क्स द अर्ज टू सेवर एंड इंटीग्रेट, एंड लव स्पार्क्स अ रिकरिंग साइकिल ऑफ ईच ऑफ दीज अर्जेज विद इन सेफ एंड क्लोज रिलेशनशिप्स।
जब उसने कहा कि वो आपके उस वक्त के थॉट एक्शन रेपिटायर को ब्रॉडन करता है, किसी भी मूवमेंट का जो में जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, उससे उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका आपके अंदर जॉय का पॉजिटिव इमोशन है तो वो आपको अर्ज करता है टू बी मोर प्लेफुल, टू बी मोर एक्टिव, टू बी मोर प्लेजेंट, टू इंडल्ज इन एनी गुड प्लेफुल एक्टिविटी. ठीक है, जब आप हैप्पी होते हैं देन यू वॉन्ट टू डू ऑल द गुड थिंग्स, यू वॉन्ट टू वॉच मूवीज, यू वॉन्ट टू गो आउट फॉर टू प्ले. बच्चों को देखा है वेन दे आर हैप्पी दे जस्ट वॉन्ट टू गो आउटसाइड, दे जस्ट वॉन्ट टू यू नो प्ले अराउंड. तो वो कहते हैं कि बेसिकली जॉय जो है वो इस तरह से, वो उस वक्त का जो आपका अगर जॉय का इमोशन है तो जो आपके थॉट और एक्शंस हैं वो किस तरफ लेके जाएंगे, वो प्लेफुल एक्टिविटी की तरफ लेके जाएंगे. इंटरेस्ट का जो इमोशन है वो स्पार्क करता है आपके अंदर आपकी थॉट एक्शन को टू एक्सप्लोर समथिंग. ठीक है, वो फर्दर एक्सप्लोरेशन की तरफ, अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, आप यू आर इंटरेस्टेड इन थिंग्स, तो उतना ही ज़्यादा आपके अंदर अर्ज होती है टू एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स. उसके बाद कंटेंटमेंट जो है, सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, खुशी जिसको कहते हैं, वो स्पार्क करता है या वो लीड करता है टुवर्ड्स इंटीग्रेशन. ठीक है, कि वो आपको बेसिकली जोड़ के रखने में, आपस में चीज़ों को इंटीग्रेट रखने में इट इज़ हेल्पफुल. राइट, लव जो है वो आपको, लव का जो इमोशन है ये आपके क्लोज सेफर रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है. उसने इस एग्जाम्पल के थ्रू, इन तीनों चारों पांचों पॉजिटिव इमोशंस के थ्रू बताया कि किस तरह से हमारा होराइजन ब्रॉडन करके और हमारे थॉट एक्शंस को उस वक्त ब्रॉडन बिल्ड करता है दिस पॉजिटिव. अ की प्रोपोजिशन इज ऑल्सो दैट दिस पॉजिटिव इमोशंस ब्रॉडन एन इंडिविजुअल्स मोमेंट्री थॉट एक्शन रिपीटायर. अच्छा, आई थिंक दिस स्लाइड, ये रिपीट हो गई है स्लाइड. All right, the next is broaden and build theory momentary thought action repertoires. A range of potential actions the body and mind are prepared to take. ये वो potential actions हैं जिसके लिए body और mind को वो prepare करता है to take certain action. जब हम बात करते हैं कि momentary thought action repertoire क्या है, तो momentary thought action repertoire वो range of potential actions हैं जो बॉडी और माइंड जो है वो प्रिपेयर, बॉडी एंड माइंड प्रिपेयर करता है लेने के लिए. पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स, एक्सपैंडेड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी रिसोर्सेज, बिल्डिंग दैट बिकम्स रिसोर्स बिल्डिंग दैट बिकम्स यूजफुल ओवर टाइम. वो कहते हैं अलॉन्ग विद दैट जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो बेसिकली आपके, जब हम थॉट एक्शन की बात करें तो हम कॉग्निशन की बात करें, वो आपकी जितनी थॉट एक्शन एबिलिटीज हैं उनको फ्लेक्सिबल करता है ताकि आप उसके अंदर फर्दर रिसोर्स बिल्डिंग कर सकें, सो दैट इट विल बिकम मोर यूजफुल फॉर यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. रिसोर्सेज आउटलास्ट द ट्रांजिएंट इमोशनल स्टेट फंक्शंस टू इम्प्रूव कोपिंग एंड ऑड्स ऑफ सर्वाइवल. Resources outlast the transition emotional state functions to improve coping and odds of survival. ये आपका जो momentary thought action repertoire है और इसके अंदर जो आप positive emotions जो हैं वो किस तरह से आपकी emotional state के function को बेहतर करते हैं और आपको coping strategies जो हैं वो आपकी better होती हैं, आपका जो survival का chance है वो increase करता है. और All right, when people experience positive emotions, their minds broaden and they open to new possibilities and ideas. वो कहते हैं जब इंसान positive emotions के अंदर होता है, जब वो positive emotions experience करता है, वो utilize करता है अपने thought and action में, तो उसका mind जो है वो broad करता, expand करता है for better and new possibilities and ideas. उसका mind जो है वो build करेगा, expand करेगा towards more क्रिएटिव आइडियाज़, टूवर्ड्स मोर क्रिएटिव न्यूअर पॉसिबिलिटीज़. ठीक है, जब माइंड जो है वो खुलता है, वो जब पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो माइंड ओपन अप होता है. जब वो ओपन अप होता है तो वो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थॉट्स, बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन भी सोच सकता है. एक इंसान जो सख्त टेंशन में है और उसको किसी प्रोपोजिशन के बारे में सोचना है, उसको किसी चीज़ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, ही और शी वुडंट बी एबल टू थिंक एक्चुअली. और अगर, और इफ़ ही और शी इज़ एबल टू थिंक, तो ही दे विल माइट जस्ट थिंक अबाउट प्रॉबेबली वन सोल्यूशन, हार्डली एनी वन सोल्यूशन. बट ऑन द अदर हैंड सिमिलरली, उसके सामने एक शख्स है हु इज़ ऑल पॉजिटिव, हु इज़ ऑल ऑप्टिमिस्ट, हु इज़ ऑल जॉयफुल, जो रिलैक्स्ड है,
उसका माइंड जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी मल्टीपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कितनी मल्टीपल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहा होता है. ठीक. सो एट द सेम टाइम पॉजिटिव इमोशंस हेल्प पीपल बिल्ड देयर पर्सनल वेलबींग रिसोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम फिजिकल रिसोर्सेज टू इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज एंड सोशल रिसोर्सेज. वो कहती है कि सिर्फ ये पॉजिटिव इमोशंस आपकी न्यू पॉसिबिलिटीज एंड आइडियाज़ के ऊपर काम नहीं कर रहा. इनफैक्ट इंसान की जो पर्सनल वेलबींग है, उसके जो अपने रिसोर्सेज हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ है, उसकी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है, उसकी जितनी सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, इन चीज़ों को भी वो बेटर कर रहा होता है. जब इंसान की पर्सनल वेलबींग इन्हांस करती है तो उसकी ये सारी चीज़ें भी इन्हांस करी होती हैं. क्यों? वाई? बिकॉज पीपल आर एक्चुअली बिल्डिंग देयर पर्सनल वेलबींग रिसोर्सेज थ्रू ऑल दीज एस्पेक्ट्स, थ्रू फिजिकल एस्पेक्ट्स, थ्रू इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स एंड थ्रू सोशल एस्पेक्ट्स. ऑल राइट. The building part of this theory is tied into the findings that these resources are durable and can be drawn upon in later movements in different emotional states to maintain well-being. उसने अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम broaden perspective की कर रहे थे. broaden and build theory में अभी तक इससे ऊपर जो slides के ऊपर हमने discuss किया वो broaden aspects के ऊपर बात थी. अब नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बिल्डिंग एस्पेक्ट्स. ब्रॉड एंड बिल्ड हमने कहा था ना, अब हम बिल्डिंग वाली चीज़ पे जाते हैं. वो कहते हैं बिल्डिंग से क्या मतलब है, पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड क्या करती हैं एक्चुअली. दिस पार्ट ऑफ थियरी इज एक्चुअली टाइड इनटू द फाइंडिंग्स दैट दीज रिसोर्सेज आर ड्यूरेबल. जो आप बेसिकली पॉजिटिव इमोशन के जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, व्हेन यू फील पॉजिटिव इमोशंस, तो वो आपके अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज को भी बिल्ड कर देता है. ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे आइडियाज़, ऐसी स्टिमुलेशंस, ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो आपके लिए बाद में लेटर ऑन मोमेंट्स में भी काम आते हैं. यू कैन यूज़ दोज आइडियाज़, यू कैन यूज़ दोज रिसोर्सेज. वो जो फिज़िकल, आप अगर पॉजिटिव इमोशंस हैं और आपके फिज़िकल रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे हैं, यू आर हेल्दियर इनफ, आपने पॉजिटिव इमोशंस रखे, आपका दिमाग वसी है, आपको पता है कि आपने किस किस चीज़ों के बारे में कैसे डील किया हुआ है, लेटर ऑन भी ये बिल्ड भी करते हैं इवेंचुअली आपकी इन्हीं रिसोर्सेज को और ज़्यादा इन्हांस करते रहते हैं. द मोमेंट आप कोई नई सिचुएशन में कोई नई प्रॉब्लम इनकाउंटर करते हैं तो यू हैव दैट आइडिया इन योर माइंड कि मैंने इससे पहले जो है इस सिचुएशन को इस तरह डील किया था, तो इट्स मोर लाइकली सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, सो प्रॉबली आई एम एबल टू डील विद दिस सिचुएशन एज वेल. या उस वक्त मैंने ये सोल्यूशन इम्प्लाई किया तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई थी, तो मैं इस वक्त भी ये चीज़ कर सकता हूँ. वो कहते हैं कि सिर्फ वो उस वक्त की मोमेंट के लिए नहीं होता वो, बल्कि वो रिसोर्सेज को बिल्ड करता है और ज़्यादा वो इतने ड्यूरेबल होते हैं, वो इन्हांस्ड होते हैं कि वो लेटर ऑन मूवमेंट्स, आपकी ज़िंदगी के मोमेंट्स में काम. द थियरी ऑल्सो सजेस्ट दैट नेगेटिव इमोशंस सर्व्स द ऑपोजिट फंक्शन ऑफ पॉजिटिव वंस. व्हेन थ्रेटन्ड विद नेगेटिव इमोशंस लाइक एंजाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन और एंगर, द माइंड कंस्ट्रिक्ट्स एंड फोकसेस ऑन द इम्पोजिंग थ्रेट, thus limiting one's ability to be open to new ideas and build resources and relationships. वो कहते हैं कि negative emotions जो हैं, she believed कि negative emotions are all positive or all opposite of positive emotions. और वो कहते हैं जब when people are actually threatened with negative emotions like anxiety or fear or anger, the mind constricts and focuses on imposing threat, real or imagined, thus limits one's ability to be open to new ideas. वो कहते हैं सिर्फ इससे एक ही काम होता है, जब भी इंसान किसी भी नेगेटिव इमोशन से डील कर रहा होता है, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसको सिर्फ उस वक्त ये बता रही होती हैं कि उसने उसके सामने जो थ्रेट है, उसके सामने जो प्रॉब्लम है, उसके उसके लिए उसने क्या करना है, उसके साथ हाउ टू डील विद इट, बस दैट्स इट, हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. इससे ज़्यादा वो और कोई नई आइडियाज़ नहीं सोच रहा होता. जो ऑब्वियसली जब वो नहीं सोच रहा होता तो वो बिल्ड रिसोर्सेज को बिल्ड भी नहीं करता, उसके पास क्रिएटिव सॉल्यूशंस का जो एक बैंक है वो भी क्रिएट नहीं होता. ठीक है. इन द माइंड फ्रेडरिकसन ड्रॉज ऑन द इमेजरी ऑफ द वाटर लिली टू ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड हर थियरी. जस्ट एज वाटर लिलीज रिट्रैक्ट व्हेन सनलाइट फेड्स, सो डू आर माइंड्स व्हेन पॉजिटिविटी फेड्स. वो कहती है जिस तरह से लाइट चली जाती है और लिलीज जो हैं वो रिट्रैक्ट कर जाती हैं व्हेन सनलाइट जब फेड होती है, तो वैसी साथ ही लिली फ्लावर्स जो हैं वो भी रिट्रैक्ट कर जाते हैं. इसी तरह वो कहती है सो डू आर माइंड्स व्हेन पॉजिटिविटी फेड्स. जब हमारे माइंड
कि में से जब पॉजिटिविटी फेड होना शुरू होती है तो हमारा माइंड भी जो है वो उसके साथ साथ रिट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, वो भी फेड होना शुरू हो जाता है, वो कुछ नहीं नया सोच रहा होता, उसके पास कोई बिल्ड रिसोर्सेज नहीं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रॉड इन एंड बिल्ड थियरी। द ब्रॉड इन बिल्ड थियरी इज अ मॉडल फॉर एक्सप्लोरिंग द मैकेनिज्म्स बिहाइंड पॉजिटिव इमोशंस इन आवर माइंड्स एंड बॉडीज। What are its effects? What is the evolutionary reason is behind these emotions? Studying emotions has always been a challenge, but it is important to understand and advance our well-being. वो कहते हैं ब्रॉड एंड बिल्ड थ्योरी जो है इसने बेसिकली ये बताया कि उस मैकेनिज्म पे बात की जो पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो हमारी माइंड एंड बॉडी के साथ करते हैं। शी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट मैकेनिज्म कि पॉजिटिव इमोशन से हमारा माइंड और बॉडी जो है वो किस किस तरह से फंक्शन करता है, नेगेटिव इमोशंस कैसे उसको इम्पैक्ट करते हैं और पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो किस तरह से हमें फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी तैयार करते हैं, वो हमारे होराइजन को भी ब्रॉड करते हैं, वो हमारा मोमेंट्री थॉट एक्शन रेपिटायर को भी जो है वो एक्सपैंड करते हैं, कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होती है हमारा थॉट प्रोसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स एंड व्हाट इज़ द एवोल्यूशनरी रीज़न इज़ बिहाइंड दीज इमोशंस। वो कहते हैं क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके और एवोल्यूशनरी रीज़न क्या है इन इमोशंस के बिहाइंड। ये एक एवोल्यूशनरी थ्योरी है इमोशन के ऊपर दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। हम सिर्फ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इमोशंस के पीछे एवोल्यूशनरी रीज़न क्या है। वो कहते हैं स्टडी emotions has always been a challenge but it is important to understand and advance our well-being. वो कहते हैं इमोशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा फिनमिना है जो हमेशा से बड़ा चैलेंजिंग रहा है थेरिस्ट के लिए स्टडी करना, साइकोलॉजिस्ट के लिए भी एज वेल एज अदर सोशल थेरीज के लिए भी, मेडिकल थेरीज के लिए भी। इमोशंस हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज फॉर पीपल टू यू नो रीड अबाउट इट एंड टू नो अबाउट इट एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट्स फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज। बट वो कहते हैं येट इट्स स्टिल इम्पॉर्टेंट phenomena to understand and advance our well-being. वो कहते हैं अगर आपको अपनी well-being enhance करनी है और well-being को extend करना है, उसका expand करना है, तो उसके लिए positive emotions का या emotion के concept को समझना बहुत ज़रूरी है। Models based on this perspective have usually studied emotions like fear, anger, disgust, leaving the whole area of positive emotions in unattended. कहते हैं जो इससे पहले के थेरियस थे जिन्होंने मॉडल्स दिए इमोशन की थेरी के ऊपर, ज़्यादातर जो परस्पेक्टिव था वो नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काम कर रहा था और बहुत कम लोगों ने इनफैक्ट पॉजिटिव इमोशन के पूरे एस्पेक्ट को अनअटेंडेड छोड़ दिया गया। ठीक वही बात जो मार्टिन सेलिगमैन भी कह रहा था, फियर एंगर डिस्कस्ट के बारे में बहुत क्लिनिकल उसमें रिसर्च हुई थी। क्यों? क्योंकि ये वो इमोशंस हैं जो इवेंचुअली किसी ना किसी डिसऑर्डर को लीड कर रहे होते हैं या किसी डिसऑर्डर के होने की वजह से इन इमोशंस का हो जाना भी, बॉडी के अंदर बिल्डअप हो जाना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्रीक्वेंट हो जाता है। ठीक तो देयरफॉर लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि क्या एंगर जो है वो हाइपरटेंशन कॉज करता है, क्या एंगर फ्रस्ट्रेशन का कॉज है, क्या एंगर स्ट्रेस को डील करने में प्रॉब्लम देता है, ठीक है, क्या फियर जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मसला है, क्या फियर का एलिमेंट जो है वो और डिफरेंट सोशो पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आता है या नहीं। ठीक तो देयरफॉर ये बहुत सारे थेरेस्ट और मॉडल्स जो थे उन्होंने नेगेटिव इमोशंस के परस्पेक्टिव पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली रिसर्च की और काम किया। ऑन द अदर हैंड दे एक्चुअली लेफ्ट पॉजिटिव इमोशंस अनअटेंडेड, दे हैवंट डन सिग्निफिकेंट रिसर्च ऑन पॉजिटिव इमोशंस। तो जब फ्रेडरिकसन की थेरी आई और मॉडल आया जो कि आज तक स्टिल कंसिडर्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन गुड मॉडल्स फॉर पॉजिटिव इमोशंस, इसने एक नया परस्पेक्टिव दिया, एक नई थॉट दी कि हमारे यहाँ हम पॉजिटिव इमोशंस को क्यों इग्नोर कर देते हैं जबकि पॉजिटिव इमोशंस का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में, हमारी पूरी बॉडी और माइंड को डिवेलप करने में, उसके होराइजन्स को एक्सपैंड करने में। तो देयरफॉर शी कंक्लूडेड के दिस particular aspect has been ignored for quite some time, therefore इस theory की need भी थी उस वक्त जब positive psychology का subject emerge हो रहा था कि positive emotions को भी पढ़ा। Why excluded positive emotions? Fredrickson offered three theories.
They are few and less differentiated than negative emotions. They have similar facial patterns like a no automatic response and are difficult to recall. It can be hard for someone to remember if they felt joy, contentment, pride, whereas negative emotions are recalled easily. All right, अब फ्रेडरिक्सन ने तीन थेरीज या तीन पर्सपेक्टिव्स अपने दिए इस सवाल के जवाब में कि आखिर पॉजिटिव इमोशंस को क्यों एक्सक्लूड किया गया था अब तक. हमने इसके इंट्रोडक्शन में फ्रेडरिक्स बारबरा फ्रेडरिक्सन के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि ये इमोशनल थेरी के साथ या इमोशनल एस्पेक्ट के रिसर्च वर्क के साथ बहुत शुरू से इन्वॉल्व थी, मगर वो सब इमोशंस के ऊपर काम कर रही थी. अनटिल 1998 इसने आके पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर काम किया. वो इसका जवाब ये देती है कि असल में जो पॉजिटिव इमोशंस हैं आइदर दे आर वेरी फ्यू और उनको ज़रा कम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वो खुश थे या वो उस मौके पे बिल्कुल कोई ख़ास उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं था. ठीक है, इट्स हार्ड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यू नो रिमेंबर. दूसरा वो कहते हैं कि इट इज़ जिसका सबसे मेजर पार्ट ये है कि पीपल हार्डली गेट टू रिमेंबर व्हेन दे फेल्ट जॉय कंटेंटमेंट एंड प्राइड. जब उनसे कह दो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्राइड वाला मूवमेंट कौन सा था, लोगों को आपने नॉर्मल रिस्पॉन्स देखा इंटरव्यूज में भी, दे रिमेन द स्टेट क्वाइट कि हाँ पता नहीं, हाँ उसमें सोच कर उनको याद आता है कोई ना कोई एक इवेंट वो बता देते हैं रिकॉल करके, बट डिफ़िकल्टी होती है रिकॉल करने में. ये रिसर्च की उसने और देखा कि लोगों को डिफ़िकल्टी होती थी रिकॉल करने में पॉजिटिव इमोशंस, जबकि नेगेटिव इमोशंस जो हैं उनको रिकॉल करना जो है वो बहुत आसान होता है. आप कहें कि किस बात से आप डिसअपॉइंटेड हैं, किस बात से आपको तकलीफ पहुंची, एक लंबी लिस्ट आपके पास मौजूद होगी उस चीज़ के लिए कि इस शख्स ने मुझे डिसअपॉइंट किया, इस शख्स ने मेरे साथ बुरा किया, इस मौके पे मेरे साथ ये हुआ, ये सिचुएशन मेरी फेवर में नहीं रही, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. और आप वो लिस्ट बनाने बैठेंगे तो आप खुद एक्टिविटी ये कर लें, बनाएंगे कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव एक्सपीरियंस्ड पॉजिटिव इमोशंस, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव एक्सपीरियंस्ड और फेल्ट जॉय कंटेंटमेंट एंड प्राइड इन योर लाइफ, एंड फॉर हाउ मेनी टाइम्स और अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव एक्सपीरियंस्ड नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस इन योर लाइफ. तो आप देखिएगा कि वो लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी नेगेटिव इमोशंस वाली, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते पॉजिटिव इमोशंस को, हमें इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा नहीं है. तो फ्रॉम नाउ ऑन इट इज़ योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस पॉजिटिव इमोशंस, टू फील पॉजिटिव मोर एंड मोर, और टू फेल्ट पॉजिटिव अबाउट योर पास्ट एज वेल. प्रेजेंट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में होपफुल रहें, प्रेजेंट के बारे में प्लेजेंट फील करें और पास्ट के बारे में कंटेंटमेंट रहें. जो कुछ भी आपने अचीव किया है, फ्रॉम स्लाइटेस्ट टू अ बिगर थिंग, उस चीज़ के बारे में यू मस्ट टेक योर प्राइड. ऑल राइट, सो एक थिंग की ये थी. सेकेंड वॉज एज अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज सेंटर्ड अराउंड अ प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच. सिंस पॉजिटिव इमोशंस लाइक जॉय डोंट अराइज व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट स्टडीड एज मच. वही बात जो हमने पहले की कि क्योंकि साइकोलॉजी का डिसिप्लिन जो था एज इन वो बड़ा प्रॉब्लम फोकस्ड डिसिप्लिन रहा था, वो इलनेस फोकस्ड डिसिप्लिन रहा था, इस वजह से यहाँ पे इलनेस की और प्रॉब्लम्स की और डिसऑर्डर्स की बात हो रही हो लार्ज अमाउंट में और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ, तो उन सब चीज़ों में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों में पॉजिटिव इमोशंस का कोई काम नहीं था. ठीक है, वो कहते हैं पॉजिटिव इमोशंस फिर इग्नोर हो गए ऑटोमेटिकली. मॉडल्स ऑफ इमोशंस आर बिल्ट ऑन प्रोटोटाइप्स एंड पॉजिटिव इमोशंस डू नॉट एग्जैक्टली फिट द मॉडल विद द स्पेसिफिक टेंडेंसी. एक एग्जाम्पल इसमें दी है इन्होंने, इस एग्जाम्पल को रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं. Two children sit side by side in a comfortable playroom. They begin their experience in identical ways, enjoying the snacks, playing with the toys, smiling at the kind of words from the babysitter, and generally having a pleasant time. As the morning progresses, however, their individual reactions to their experiences change. While one of them seems to be experiencing increased enjoyment in the pleasant environment, on the other hand, the other child grows restless, disconsolate and angry. Okay, so hota kya hai aage, the happy child continues to explore and find new ways to play. The babysitter responds,
The babysitter's responses to her are all positive, with happy words, with encouraging slogans, and so on, and so many compliments, happy, pleasant compliments, and so on and so forth. As the second child's behavior grows increasingly negative, the babysitter's responses become increasingly narrowed and urgent, and she tries to settle the unhappy child. The child's focus on the toy also becomes increasingly narrow, with her focus seemingly limited to either throwing toys or striking the other members of the room. कहते हैं दो बच्चे एक जैसे environment में उनको बिठाया गया nursery के अंदर जिसमें बेबी सेटर भी मौजूद थी, एक जैसे toys सामने पड़े, snacks पड़े हुए थे और कहा गया कि आप लोग activity में involve हो जाएं, खेलना शुरू कर दें, मतलब start enjoying yourself in this room. वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि after a certain period of time, जिस तरह से time pass on होता गया, तो एक बच्चा जो था उसमें से वो इन्वाई होना शुरू हो गया. ही और शी वॉज हैविंग अ फीलिंग नेगेटिव इमोशंस, उसको गुस्सा आ रहा था. ही और शी बिकम्स डिसइंटरेस्टेड इन दैट रूम, उस एक्टिविटीज उसको इंटरेस्ट नहीं कर रही थी. देयरफॉर उसने क्या किया, उसकी जो लिमिट हो गई उसकी कैपेसिटी टॉयज के साथ खेलने में, उसको कोई नया टॉय को डिफरेंट तरीके से खेलने में वो कोई इंटरेस्टेड नहीं था. ही वॉज ऑल इंटरेस्टेड इन यू नो थ्रोइंग थिंग्स और शोइंग टेंट्रम्स. क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे थे. वो लेस इंटरेस्ट का, लैक ऑफ इंटरेस्ट का जो इमोशन था वो अपीयर हुआ था सबसे पहले, जिसके रिस्पॉन्स में जो बेबी सिटर थी उसने भी क्या किया, वो भी शी वॉज ऑल अबाउट सेटलिंग हर. उसके पास कोई नया तरीका नहीं था, वो जस्ट शी वॉन्टेड टू यू नो सेटल दैट चाइल्ड, के वो चीज़ें ना पेके या वो रोए ना, दैट्स इट. She doesn't have anything else to do with that child. Jabki, on contrary to this, wo jo dusra bachcha tha, who was happy till the end, wo kya kar raha tha, wahi toys the 4-5, magar wo un toys ko bhi different tarah se khel raha tha. Wo explore kar raha tha unke sath playful activities karna in a different manner. Theek, aur baby, aur wo, he was all happy and he was all enjoying and he was all, you know, exploring new ways of dealing with his toys and how to, you know, play in that room differently with different stuff. ठीक है, वो उन्हीं चीज़ों में से किस तरह से new opportunities explore करके एक नया toy बना के खेल रहे थे. आपने देखा है अक्सर बच्चे जो हैं वो एक चीज़ होती है उसके ऊपर कुछ और different दो चीज़ें डाल के बिठा के जो है वो खेलना शुरू कर देते हैं. ऑटोमेटिकली वो एक चीज़ जो है वो दो तीन चीज़ें मिलकर एक नया toy बन जाता है उनके लिए. ठीक, वो इस तरह की चीज़ों को उसने सोचना शुरू कर किया. और बेबी सिटर के पास भी सारी पॉजिटिव जो इफॉर्मेशंस थी उस बच्चे को देने के लिए थी. वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, ओ माय गॉड, यू आर जस्ट एंजॉयिंग, लुक व्हाट यू हैव मेड, ये कितना अच्छा लग रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसने कितने उसको उनको पॉजिटिव इंकरेजिंग जो है कॉम्प्लीमेंट उस बच्चे को दिए और उस बच्चे का होराइजन भी ब्रॉड हो रहा था और सामने वाले का बिहेवियर भी जो था वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं था एक एक्शन की तरफ. रादर शी हैड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू से, शी हैड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू कॉन्ट्रीब्यूट विद द चाइल्ड ड्यूरिंग हिज प्ले टाइम. राइट, सो ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस के लिए. वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस. ये एक डायग्राम बेसिकली फ्लो चार्ट है, विच अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्लो चार्ट. मैंने काफ़ी आपको स्लाइड्स में, हर स्लाइड में ऑलमोस्ट कुछ चीज़ों पे फ्लो चार्ट्स दिए हैं. वो एक समराइज्ड फॉर्म भी होता है और वो ईजियर टू अंडरस्टैंड भी होता है. ठीक, वो कहते हैं अगर आप इसको पढ़ें, प्रोड्यूसेस जैसे ऑलराइट, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इमोशंस से. वो कहते हैं पॉजिटिव इमोशंस आपने एक्सपीरियंस किए, पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करने से क्या होता है, ब्रॉड हो जाते हैं आपका होराइजन. उससे क्या होता है, जब आपका थॉट प्रोसेस ब्रॉड होता है तो आप नई थॉट सोचते हैं, आपके पास नई डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं करने को, यू आर ओपन टू मेक न्यू रिलेशनशिप्स, डिफरेंट रिलेशनशिप्स. जब ये सब होता है तो इवेंचुअली क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर इट बिल्ड्स इंड्योरिंग पर्सनल रिसोर्सेज, या आपकी बॉडी के अंदर जो है, माइंड के अंदर जो है वो इंड्योरिंग रिसोर्सेज को बिल्ड करना शुरू करता है. ऐसी रिसोर्सेज बिल्ड होती हैं जो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जो फ्यूचर में भी यूज़ हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल सोशल सपोर्ट, रेजिलियंस. जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा आप रेजिलियंट होते हैं, उतना ज़्यादा आप जो है वो कम चीज़ों का जो कम टेंशन लेते हैं प्रॉब्लम्स की. ऑटोमेटिकली अगर आप फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते भी हैं तो यू आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट.
or that eventually leads you towards enhanced health, survival and fulfillment, right? So ये सब चीज़ें जो एरो है ये बता रहा है कि हाउ पॉजिटिव इमोशंस लीड टू दिस, और वो इवेंचुअली एंड प्रोडक्ट ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका सर्वाइवल रेट बेहतर होगा, आप फुलफिल्ड फील करेंगे, आप कंटेंटेड फील करेंगे, और यहाँ से जब आप ये सब फील करते हैं तो अगेन आप और ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस फील अपने अंदर बिल्ड करते हैं, आप उनको और ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। वहाँ से एनहांस्ड हेल्थ सर्वाइवल फुलफिलमेंट वाले ब्लॉक से एरो फिर पॉजिटिव इमोशंस की तरफ चला जाता है। दैट एक्चुअली टेल्स दैट प्रोड्यूसेस मोर एक्सपीरियंसेस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस क्रिएटिंग एन अपवर्ड स्पाइरल। पॉजिटिव इमोशंस जो है वो एक अपवर्ड स्पाइरल जो है वो क्रिएट करता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस होते हैं आप उसको एक स्टेयर्स की तरह समझें, आप उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टेयर्स को चढ़ते जाते हैं और आप टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं। और जब आप टॉप लेवल पर पहुंचते हैं तो अगेन आपके पास यू हैव ऑल गुड फीलिंग्स, ऑल गुड इमोशंस टू एक्सपीरियंस, ठीक। इसीलिए वहां से दोबारा एरो आ जाता है पॉजिटिव इमोशंस की तरफ। आई होप यू आर प्रिटी क्लियर अबाउट ब्रॉडेनविल थ्योरी, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशंस, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस, व्हाट बारबरा फ्रेडरिकसन थ्योरी हैज टू से अबाउट पॉजिटिव emotions, why there was a need to talk about positive emotions. With that, along with that, she has a clear idea about the fact that why up till some time positive emotions has been ignored by the researchers and by different studies, why there wasn't any model that was explaining about positive emotions, why do people hardly think about positive emotions when inquired them about their feeling of positive emotions, they were more likely to report negative emotions as compared to positive emotions. So they were all her explanations for all these factors. I hope it has been clear to you. Still, if you have any discussion points, any misconceptions regarding this, any problem regarding the lecture, please let me know. All right. ये एक है जी पॉजिटिविटी जर्नल, जिसको हम कहते हैं कि बेसिकली पॉजिटिव इमोशंस से क्या क्या होता है। ये देयर आर फ्यू आइडियाज़ जो बताते हैं कि यू हैव टू बी ओपन, इट फाइंड पॉजिटिव मीनिंग, इट सेवर्स पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इमोशंस के ये फ़ायदे हैं, रिचुअलाइज ग्रैटिट्यूड, यू विजुअलाइज योर फ्यूचर इन अ बेटर वे, यू क्रिएट हाई क्वालिटी कनेक्शन, यू कल्टिवेट काइंडनेस विद इन योर सेल्फ, इफ़ यू आर पॉजिटिव ओनली देन यू आर थैंकफुल, ओनली देन यू फील काइंडनेस इन विद इन योर सेल्फ, यू डिवेलप डिस्ट्रैक्शंस, आप नेगेटिव थिंकिंग से बड़े ईजिली जो है उनको डिस्प्यूट कर देते हैं, उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव कंपनी से ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इफ़ देर इज पॉजिटिव इमोशंस विद इन योर सेल्फ, आपका माइंड जो है वो बेहतर तरीके से मेडिएट करता है। सेकेंडली आप मेडिटेट करते हैं ऑन लविंग काइंडनेस, लविंग एंड काइंडनेस इज वेल। सो आई थिंक these are all the positive aspects, these are all the positive factors that you experience when you are having positive emotions within yourself, theek hai, and automatically ye sab kuch aapke andar hoga to you will grow as a person.